बच्चों, आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी का एक बहुत ही रोचक विषय, इसका नाम है वाक्य, वाक्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, आज हम वाक्य के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आओ बच्चों, वाक्य के बारे में जानते हैं। वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं? देखो बच्चों, शब्दों के वे समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं वाक्य कहलाते हैं। शब्दों के वे समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं वाक्य कहलाते हैं। शब्दों का समूह होगा, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए बच्चों? उस वाक्य में अर्थ होना चाहिए, वाक्य समझाना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे मैं आपको यहां एक उदाहरण दे रहा हूं, तनु कविता लिख रही है। तो बच्चों क्या कर रही है तनु? तनु कविता लिख रही है। तो हम देखो बच्चों, इस वाक्य को पढ़कर हमें समझा रहा है कि तनु क्या कर रही है? कविता लिख रही है। क्या लिख रही है बच्चों? कविता। तो यह वाक्य कहलाएगा। अगर मैं इसकी जगह लिखता, लिख रही तनु कविता है, तो बच्चों ये वाक्य आपको समझा जाना था, सही वाक्य बनना था, नहीं बनना था, सही अर्थ इस वाक्य का नहीं निकलना था। तो बच्चों वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के वे समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं वाक्य कहलाते हैं। शब्दों का समूह, इस बात का आपने ध्यान रखना, और जो अर्थ प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग के बारे में, प्रकार के बारे में। ठीक है, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं बच्चों? दो अंग होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहला होता है उद्देश्य। पहला अंग कौन सा होता है? उद्देश्य। अब उद्देश्य किसे कहते हैं बच्चों? वाक्य में जिसके विषय में बात कही जाए उसे वह उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में जिसके विषय में बात की जाए वह उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्ता आता है, जो काम करने वाला होता है। ठीक है, क्योंकि किसी क्रिया को करने वाला ही कर्ता होता है। ठीक है, तो उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं बच्चों, उदाहरण देखो, रोहित गाना गा रहा है। रोहित क्या कर रहा है बच्चों? गाना गा रहा है। कौन गाना गा रहा है? किसके विषय में बात करें? कौन गाना गा रहा है? रोहित। तो रोहित क्या होगा बच्चों? उद्देश्य। मैंने बताया ना आपको कि वाक्य में जिसके विषय में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो उसमें उद्देश्य कौन है? रोहित। गाना कौन गा रहा है? रोहित। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। इसके बाद हम इसके दूसरे अंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है विधेय। क्या नाम है बच्चों? विधेय। तो बच्चों विधेय किसे कहते हैं? सबसे पहले आओ हम जानते हैं, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं बच्चों, आपको उदाहरण दे रहा हूं एक समझने के लिए, बच्चा दूध पीकर सो गया। तो बच्चा दूध पीकर सो गया, तो कौन दूध पीकर सो गया बच्चों? बच्चा। ठीक है, लेकिन जो बच्चा है वाक्य में उद्देश्य के विषय में हम क्या बात कर रहे हैं? उद्देश्य ये कर रहा है इसमें, उद्देश्य कौन है बच्चों? बच्चा। बच्चा क्या कर रहा है इसमें? दूध पीकर सो गया। तो ये जो शब्द है आपके वाक्य में, ये आपके विधेय कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके वाक्य के अंग। ठीक है बच्चों, आशा है आप सभी को यह अच्छी तरह समझ आए होंगे। धन्यवाद।